भाजपा सिर्फ दिखावे करने के लिए कुछ भी कर सकती है, भले कानून तोड़ना पड़े तोड़ेंगे, भारत के संविधान बदलना पड़े तो बदलेंगे। देश व प्रदेश की जनता जानती है कि भाजपा सिर्फ बड़े बड़े विज्ञापनों व दिखावे करने के लिए यह सब कुछ करती है। यह बात प्रदेश कांग्रेस के सचिव राकेश सिंह ने इंदौर में कही। भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश सिंह यादव ने इंदौर में कहा कि भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा इस बात से सामने आ गया है कि वह बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नड्डा की रैली भी झूठ की परमिशन से निकाल रही है। यादव के मुताबिक उन्होंने जिलाधीश को ज्ञापन देकर शिकायत की है कि धारा 144 का उल्लंघन करने वाले भाजपाइयों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। एक और तो बीजेपी ये बोलती है कि हम कानून और नियमों का पालन करते हैं, अनुमति लेकर रैली निकालते हैं। जो अनुमति इनको दी गई उसका पूरी तरह से उल्लंघन किया गया है। मंचों की अनुमति नहीं थी, अवैध मंच लगाए गए हैं, अवैध साउंड सिस्टम लगाए गए हैं, अवैध होर्डिंग हर स्थान पर लगाए गए हैं, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट करके बोला था कि अगर स्वयं उनका फोटोग्राफ भी लगा के कोई होर्डिंग लगाता है तो तत्काल उसको निकाला जाए। इस पूरे मामले को लेकर उनकी रैली के लिए जो समय दिया था 35 मिनट का दिया था प्रशासन ने धारा 144 होने की वजह से, लेकिन वो 1.5 घंटे तक चली। शहर में कई जगह ट्रैफिक जाम हुआ, अन्य समस्याएं हुई। जो अनुमति थी उसका उल्लंघन किया गया, धारा 144 को तोड़ा गया। इसको लेकर माननीय जिला कलेक्टर महोदय को मैंने लिखित में आवेदन दिया और शिकायत की कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इसके अंतर्गत निगमायुक्त ने अभी उनको 13.5 लाख नोटिस दिया है पेमेंट जमा करने का जो अवैध होर्डिंग थे, और 144 के तहत जिला प्रशासन को भी इन पर मुकदमा दर्ज कराना चाहिए जो इसके आयोजक थे, क्योंकि आगे से सबको ये सबक मिले कि जो अनुमति दी जाती है उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। इस तरीके से अनुमति का उल्लंघन करके पूरे शहर को परेशान करना, ये बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा सामने आया है। सिंह के मुताबिक प्रदेश के मुखिया ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि शहर की सुंदरता को बैनर पोस्टर से बदरंग नहीं किया जाए, लेकिन बीजेपी के बड़े नेताओं के चित्रों वाले बैनर पोस्टर लगने के बाद निगम ने सख्त कार्यवाही करते हुए करीब 13.5 लाख का उन पर दंड लगाया है। वहीं जिला प्रशासन को भी 144 का उल्लंघन मुकदमा दर्ज करना चाहिए। देखिए, यही एक जिम्मेदारी होती है कि आप जिम्मेदारी के पद पर बैठे हो, कैसे आप जिम्मेदारी निभाते हैं। महापौर के पद पर बैठने के बाद सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी होती है शहर के प्रति, शहर के नागरिकों के प्रति। उसके बाद आती है आपकी जिम्मेदारी पार्टी की। आपकी जहाँ अपनी जिम्मेदारी आप नहीं निभाते हैं तो वो जनता के समक्ष आता है। और आज अगर जिस निगम में या महापौर हैं वहीं से 13.5 लाख का नोटिस दिया गया है, उससे दूध का दूध और पानी का पानी हो रहा है कि आपने अपनी भूमिका कैसे निभाई। DNU के लिए जीतू पटेल की रिपोर्ट।